भारत के हर कोने में अन्य जातियों के अपेक्षा मुसल समुदाय आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। जिनके उत्थान के लिए कई कई योजनाएं बनाई गई हैं, पर ये लोग जिस स्थिति में जी रहे हैं, चिंता का विषय तो जरूर है। ग्राम काला पकड़ी में 80 दलित परिवार रहते हैं, जिस टोले की घनत्व और घरों की हालात से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग किन हालातों में जीवन जी रहे हैं। दिक्कत यही की घर में पांच परिवार बा, एक कोठरी बा, तो रहे के दिक्कत न बा। हमनी के तो दिक्कत देखी ना, बहुत दिक्कत बा, काहे से कि हमनी के जगह जमीन हैले नहीं के रोड पर रहत, से रोड पर घर बा, आ समझी कि मने एक हगो मड़ई बनावल बा, ठीक बा। मड़ई में समझी कि हमनी के मने 10 परिवार, 20 परिवार, 15 परिवार, 6 परिवार, 8 परिवार, मने हर आदमी के ए तरह के बा, आ समझी कि हमको रूम बा, सुते बैठे के सबके दिक्कत हर तरह से बा। सवारी आता तो बाल बच्चा के हमेशा डर बनो रहता कि ढंगा जाए कि चरा जाए, हैं हर तरह के दिक्कत बा हमरा। तो हमरा मुसर टोला में समझी कि लमसम मने मानी ना 60-70 आदमी तरह के परिवार बा। अरे अचवा बचवा तो ढेर बाड़ सन, तब सब मिला के मन लगभग कितना हो जाए? लगभग मैंने 300 आदमी से कम ना हुई, 300 350 से आदमी मिला के। हम ये चाहता नहीं कि हमने की सरकार तरफ से अगर मानी कि जगह जमीन मिल जाए तो कम से कम एक खरों के घर तो बना के अलग अलग आदमी रही, बेटा अलग रही, हम अलग रहती, आ बाल बच्चा मैंने जौन भी हो में बात तो अपन सुखी रही, आदमी बड़ा से कमाई खाई, तो उतना तो हम सुविधा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ग्राम काला पकड़ी टोले के दलितों का अभियान बसेरा योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए अंचल कार्यालय में आवेदन देने जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ा तो उनके समक्ष धरना भी देंगे। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारे इस लड़ाई में हिस्सा बने, जिसके लिए अंचल अधिकारी का मोबाइल नंबर है 9431826712। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया के लिए।